Assalamualikum Everyone, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने 14 अगस्त का केक बनाया था और मुझे पता है मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो आप जो है ये नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बेसिक वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, जिनको जो रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज के अंडे नहीं लेने हैं. 1 कप चीनी ले ली है. अब यहाँ पर यह करना है कि आपने अंडे को तोड़ के इसके जो एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी को अलग कर लेना है और अंडे की जर्दी को अलग कर लेना है. हमें इस वक्त चाहिए एग वाइट, तो एग वाइट जो है उसको हमें बीट करना है, तो हम एग वाइट को सेपरेट कर लेंगे. अगर फ्रिज के अंडे हैं तो आप 1-2 घंटे के लिए अंडे को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर वो आपने अंडे यूज़ करने हैं, यानी फ्रिज के अंडे यूज़ नहीं करने, उसमें केक सही नहीं बनता. एग वाइट मैंने अलग कर ली है. एग वाइट को थोड़ा सा मैं बीट करूँगी कि हल्का सा ये फॉर्मी और देखिए ऊपर झाग झाग टाइप आ गई है. अब इसके अंदर ऐड करनी है शुगर. शुगर मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप. 1 कप से थोड़ी सी कम ली है, तो इस शुगर को मैं ऐड करूँगी इसके अंदर. इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे. अगर आपके पास बीटर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बीटर से बहुत आराम से हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती. मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं विस्क की हेल्प से करूँगी, या विस्क की हेल्प से भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं विस्क से बना रही हूँ तो मेरा केक भी परफेक्ट बनेगा. तो जिसके पास बीटर नहीं है वो जो है बिल्कुल भी सैड ना हो, क्योंकि विस्क से भी बहुत अच्छा बन जाता है. अब जो एग वाइट को हम बीट कर रहे थे, थोड़ा फॉर्मी क्रीमी हो चुकी है. इसके अंदर ऐड कर देंगे एग योक जो हमने सेपरेट करके रखी थी, अंडे की जर्दी में इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बीट करेंगे यहाँ तक कि बहुत ही क्रीमी थिक टेक्सचर आ जाए. तो मैं इसको कंटिन्यूसली बीट करना स्टार्ट करूँगी और इसका कलर देखिए काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी भी ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में है. इसको इतना बीट करना है आपने कि बहुत ही प्यारी क्रीमी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए. इसके अंदर क्योंकि हमें वनीला स्पंज केक बना रहे हैं, तो वनीला से इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून. 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अब दोबारा इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे और बीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल कितना थिक होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें मिल गई है परफेक्ट कंसिस्टेंसी. इससे ज़्यादा मज़ीद भी बीट हो सकता है, लेकिन बस इतना भी इनफ है. तो देख सकते हैं जो हमने अंडा लिया था वो डबल कंसिस्टेंसी हो गई है उसकी. अब यहाँ पर हमने 1 कप वाइट फ्लोर यानी मैदा ले लिया है. इसको स्ट्रेनर में डालेंगे यानी छलनी के अंदर इसको डाल देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. 1 कप मैदे के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाता है. 2 कप जो होगा मैदा तो उसके अंदर 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा. तो 1 कप के अंदर 1 टीस्पून डाल के इसको स्ट्रेन कर लिया अच्छे से छान ली ताकि इसके अंदर गुठलियाँ लम्स ना रहें. अब देखिए इसको मैंने अच्छे से छान ली है. अब 2-3 टेबलस्पून करके हमें स्लोली स्लोली एग मिक्सचर के अंदर मैदे को डालना है और फोल्ड करते जाना है. अब आपने बहुत ही हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन मूव करने का, तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे. तो आप जो है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर रही हूँ. बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से मूव करना है. और उसके बाद क्या किया है, मैंने सारा मैदा जो है ऐसे ऐसे करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है. एक साथ नहीं डालना, 2-3 टेबल स्पून करके हमने डालते जाना है, इसके अंदर मिक्स करते जाना है. एंड में मैंने सारा मैदा इसके अंदर डाल दिया और बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ. और देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई, बहुत ही ज़बरदस्त थिक क्रीमी मिक्सचर हमारा टेक्सचर रेडी हो चुका है. इसके अंदर हमें कोई भी ऑयल, कोई भी मिल्क वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. तो यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है. और यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है जिसमें हमें बेक करना है. इसके अंदर आप जो है स्टैंड रख देंगे, आयरन का, स्टील का, जो भी स्टैंड है आप इसको रख देंगे और इस पतीली को प्री हीट कर लेंगे. यहाँ पर मैंने जो है वो मोल्ड ले लिया है, इसको अच्छे से हमने ग्रीस करना है. जिसमें हमें बेक करना है वो मोल्ड है, और ग्रीस करने के लिए मैं इसमें ऑयल डालूंगी. ऑयल से इसको अच्छे से कवर कर देंगे. इसके अंदर हम थोड़ा सा जो व्हाइट फ्लोर मैदा डस्ट कर देंगे, इससे ग्रीस हो जाएगा अच्छे से. और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा केक स्टिक ना हो, बिल्कुल भी चिपके ना. इस तरीके से आप इसे ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर आप अपना सारा जो बैटर है स्पंज केक का वो इसके अंदर पोर कर देंगे. अब जो ये बेसिक स्पंज केक जो है, अगर आप चाहते हैं इसको चॉकलेट का बनाना तो आप इसमें कोको पाउडर डाल सकते हैं. बाकी जो बेसिक स्पंज केक जो कोल्ड केक है उसकी रेसिपी ये है. ये वो कोल्ड केक है जो क्रीम आइस वाला होता है. इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स इसके ख़त्म हो जाए. अब इस मोल्ड को हम रख देंगे पतीली के अंदर. पतीली के अंदर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करना है. और कवर करके आपने सिर्फ 1 मिनट तक फुल फ्लेम रखनी है. और उसके बाद आपने 1 मिनट के बाद बिल्कुल ही स्लो फ्लेम कर देनी है. 35-40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है. अगर आपको लग रहा है एयर कहीं से बाहर निकले, कोई हैवी चीज़ के ऊपर रख दें या आटे से कवर कर दें, 35-40 मिनट्स के बाद मेरा केक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बेक हो चुका है. बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बना है, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक रेडी हुआ है. तो यहाँ मैंने केक को जो है बाहर निकाल लिया है और इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे. बहुत ही सॉफ्ट केक बना है. आप जो शेप चाहे उस शेप में आप या कि मोल्ड में आप डाल सकते हैं, हार्ट शेप का, स्क्वायर शेप का, जो शेप चाहते हैं आप इसमें बना सकते हैं केक को. यहाँ मैंने सर्कल शेप का लिया है. यहाँ पर मैंने क्या कि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया है. यहाँ मेरे पर पाइनएप्पल जूस है और उसके बाद हम यहाँ लेंगे व्हिप क्रीम और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे. तो क्रीम के पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इजीली आपको सुपरमार्केट से मिल जाएगा. इसका सब कुछ इसके अंदर मेंशन है हर चीज़. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त केक क्रीम होती है. अब केक क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया है. अब इसको सोक करना है पाइनएप्पल जूस से.
ये जो केक जो है वो जूसी जो आप केक खाते हैं गोल्ड केक मार्केट का, वो इसमें ना पाइनएप्पल जूस डाला होता है। अब अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस टिन वाला नहीं है तो आप सिंपल किसी भी जो कंपनी का सिर्फ सिंपल जो जूस होता है पाइनएप्पल का वो बना के आप इसको वो भी सोक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको सीरप से अच्छा से सोक कर लिया और उसके बाद अब इसके ऊपर मैंने क्रीम डाली है, क्रीम से इसको कवर कर दिया। क्रीम मैंने रफली कवर क्योंकि इसके ऊपर हमने सेकंड पीस रखना ही था, तो अब जो है सेकंड पीस रख लिया। अगर आपके पाइनएप्पल चंक्स है तो आप वो भी नीचे उसके बीच में सेंटर में ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर सेकंड पीस रखा, उसे भी हमने पाइनएप्पल जूस अच्छे से सोक कर लेना, गीला कर लेना अच्छे से, और उसके बाद इसके ऊपर हमने जो है वो क्रीम को अगेन ऐड करना है और उसके बाद इसको कवर कर लेंगे। मैं जो इसके ऊपर जो है इसकी जितनी भी आइसिंग है थोड़ी मैंने अभी रफली की है क्योंकि इसको हम पूरे अच्छे से अभी डिज़ाइन से फ्लैग का जो डिज़ाइन बना उसे कवर कर देंगे तो आइसिंग सारी छिप जाएगी। मैंने बहुत लाइट क्रीम लगाई है। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्योंकि फ्लैग की शेप देनी है तो मैं जो है नाइफ की हेल्प से पहले निशान लगा लूँ कि हमने वाइट पार्ट कितना रखना है, ग्रीन पार्ट कितना रखना है, ताकि हमारे आइसिंग में बहुत आसानी है। मैंने बहुत ही हल्के से इसका सिर्फ क्रीम को डिवाइड किया, मैंने केक कट नहीं किया, ये हल्का सा क्रीम को मैंने हाफ में डिवाइड किया ताकि ये साइड का हिस्सा जो कम है वो वाइट रखेंगे बाकी ग्रीन। नाइफ की हेल्प से मैंने चार सितारे की भी शेप दे दी है। अब क्या करना है, जो हमने वाइट पार्ट के लिए जो हिस्सा डिवाइड किया है आइसिंग के अंदर जो है पाइपिंग बैग हमने क्रीम डाल के वाइट पार्ट को फ्लावर से डिज़ाइन कर दिया है। अब केक की जो बाउंड्री है उसको भी हम वाइट पार्ट से ही कवर कर देंगे, यानी वाइट आइसिंग से पूरी बाउंड्री कवर करेंगे और सेंटर हम ग्रीन क्रीम से करेंगे। बाकी जो चार सितारे हैं वो तो ऑब्वियसली जो है वो वाइट क्रीम से कवर होंगे। तो जो बाउंड्री है मैं वाइट क्रीम से कवर कर रही हूँ। देखिए मेरी क्रीम जो है वो थोड़ी मेल्ट हो रही है क्योंकि मैंने क्योंकि विस्क की हेल्प से की है, बीटर हो तो ज़्यादा थिक बीट हो जाती है, अच्छी रहती है, लेकिन ये है कि जो आप सिंपल विक्स करें तो उससे भी हो ही जाती है। कोशिश ये करें कि जो हमारी क्रीम है वो ठंडी रहे, ऐसा ना कि बाहर पड़ी पड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाती है। बाकी क्रीम को मैंने ग्रीन कलर डाल के जो है वो ग्रीन कलर की क्रीम रेडी कर ली है क्योंकि जो हमारा बाकी पार्ट है उसको हम ग्रीन कलर से कवर कर देंगे ताकि हमारी फ्लैग की लुक बड़ी प्यारी सी आ सके। तो इस तरीके से मैं पूरे क्रीम से अपने केक को कवर कर दूंगी, फ्लावर बना देंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लैग डिज़ाइन का मज़ेदार सा केक रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर सिल्वर बॉल्स हैं और इससे मैं थोड़ा कवर कर दूंगी, थोड़ी गार्निशिंग करूंगी ताकि हमारे केक की लुक जो है थोड़ा प्यारी क्लासी से लुक आ जाए। यहाँ पर मैंने डेकोरेट कर दी अपने हिसाब से, अगर आप चाहें तो जो आपके जहन में डिज़ाइन हो फ्लैग का वो डिज़ाइन आप दे सकते हैं, अपनी अपने हिसाब से बना सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। बाकी ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है बेसिक वनीला स्पंज, यानी बेसिक वनीला कोल्ड की स्पंज की रेसिपी है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया सिल्वर बॉल के साथ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही मज़ेदार केक है और ज़्यादा मज़े का तब लगता है जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तकरीबन आप जो है इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रखेंगे ताकि बिल्कुल चिल्ड हो जाए, ताकि बिल्कुल आपका ऐसा टेस्ट ऐसे बाजार का है। और केक इतने मज़े का बनता है बिल्कुल आपको नहीं लगेगा आपने घर में बनाया है, बहुत ही मज़े का केक बनता है। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है बेसिक वनीला स्पंज केक की रेसिपी, चाहे तो आप चॉकलेट में बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार केक है ये। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।